एक अल्लाह दे वली मदीना पाक गए एक बंदे ने आख्या बुजुर्गो जो तो रोजे रसूल ते गए थे मेरी तरफों भी दरूदो सलाम का नजराना पेश करियो मेरी तरफों भी सलाम अरस करियो ते सरकार दे दोवां यारां जनाब सिद्दीक अकबर और फारूक आजम की बारगाह विच भी सलाम का नजराना पेश करियो वो अल्लाह दे वली जो तो मदीना पाक गए ना तो उत्थे जाके उस सरकार दे गुंबद शरीफ दे जलवियां विच मुबारक जालियां दे जलवियां विच मुस्तगरिक हो गए सलाम पहुंचाना याद ना रहा। जो तो मदीना पाक जो बाहर निकले ना जुल हुलैफा दे मकाम ते आए उत्थे आए तो याद आया कि मैं तो उस बंदे दा सलाम दा नजराना पेश करना सी अमानत सी ते आपने काफे वालियां नूं आख्या भी मैनूं एक जरूरी काम नाल वापस मदीना पाक जाना पै रहा है ते तुसीं मेरा ये जरा ऊंट है ना सामान वाला ऊंट ये तुसीं लै जाओ जे मैं लेट हो गया। उन्हें आख्या अगर अब आप मदीना पाक गए तो आप हमारे साथ मिल नहीं सकेंगे। उन्हें आख्या भी मैं तो जाना ही जाना है जे लेट हो गया उठ नाल ले जाए वो सामान वाला। वो अल्लाह के बंदी ज़ुल हुलैफा से वापस आए मदीना पाक और हुजूर की बारगाह में उस बंदे का सलाम का नजराना पेश किया। नजराना पेश करके मस्जिद नबी से निकले तो रात देर हो गई। उधरों ज़ुल हुलैफा के मकाम तो एक बंदा आंदा नजर आया उन्हें काफिले का पूछा उन्हें आखिर जी काफिला तो टुर गया काफिला तो चला गया। वो अल्लाह के वली वापस मस्जिद नबी के अंदर आ गए सोचा कि रात यहीं पर गुजारता हूँ सुबह उठकर किसी और काफिले के साथ मिलकर अपने काफिले से मिलने की कोशिश करूंगा। वो वापस मदीना पाक मस्जिद नबी के अंदर आ गए आकर सो गए। फरमाते हैं मैं सोया आधी रात हुई मेरा मुकद्दर जाग उठा मैं सोया मेरा मुकद्दर जाग उठा सरकार मेरी ख्वाब में जलवागर हुए। सरकार के साथ जनाब सिद्दीक अकबर और फारूक आजम भी थे। सिद्दीक अकबर हजरत सिद्दीक अकबर रजी अल्लाह तआला अन्हो आपने मेरी तरफ इशारा करके कहा या रसूल अल्लाह ये वो बंदा है या रसूल अल्लाह ये वो बंदा है। जो अल्लाह के वली फरमांदे ने मनु सरकार ने फरमा तू अव्वल वफा है तू वफादार है। ये कहंदे ने मैं अरज की थी या रसूल अल्लाह मेरी कुनियत अव्वल अब्बास है मनु लोग अव्वल अब्बास कहंदे ने सरकार ने तू अव्वल वफा है तू वफादार है। अगो अल्लाह के वली फरमांदे ने आखा जब यदि फवदानी फिल मस्जिद हराम वो आखा जब यदि فبدعني في المسجد الحرام فاقمت بمكه ثمانيه ايام حتى وردت الرفقه اللہ دے ولی فرماندے نے واخذ بيدي فبدعني في المسجد الحرام فاقمت بمكه ثمانيه ايام حتى وردت الرفقه آپ کہتے ہیں سرکار نے میرا ہاتھ پکڑا حضور نے میرا ہاتھ پکڑا مجھے مدینہ پاک سے اٹھا کر مکہ پاک میں رکھ دیا سبحان اللہ सरकार ने फवदानी फिल मस्जिद अल हराम वाखज़ा बियदी फवदानी फिल मस्जिद अल हराम सरकार ने मेरा हाथ पकड़ा वाखज़ा बियदी मेरा हाथ पकड़ा फवदानी फिल मस्जिद अल हराम मुझे मदीना पाक से उठाकर मक्का पाक में रख दिया। अकम तो भी मक्का था समानियत अय्याम हत्ता वरदत रुफ़का तो मैं मदीना पाक अठ दिन रहा मक्का पाक आके मदीना पाक तो लम्हे विच मक्का पाक पहुंचाया मैं मक्का पाक आठ दिन रहा अठा दिनों तो बाद मेरे साथी पहुंचे। सरकार ने हाथ पकड़ा मदीना पाक से उठाकर मक्का पाक में रख दिया मुझे मदीना पाक से मक्का पाक आए हुए आठ दिन गुजर गए अठा दिनों तो बाद मेरा काफिला आया एक ही खरफ सजर दे नादा नादा तो एक ही खरफ सजर दे नादा एक ही खरफ सजर दे नादा सानू दिस्ता विच कुरान है हर दम याद सजन विच रहना साडा एहो बिरद ज्ञान है सूरत यार दी व्यंजा रहना एहो सब औलादी जान है आजम साडा दीन दी पुछना है साडा एहो दीन ईमान